हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल केंडर गुरु। और आई होप आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं यहां पर क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे और साथ ही किसी न किसी बैंक के थ्रू लोन जरूर से लिया होगा। और उसमें मैक्सिमम लोगों ने HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे और HDFC से पर्सनल लोन या होम लोन जरूर से लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, यदि आपने भी किसी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड पे EMI वगैरह बनवाई हुई है या कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो आप उसका स्टेटस, उसकी कंप्लीट डिटेल किस तरह से चेक कर सकते हो, इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। से कितनी उसकी EMI अभी रह गई है, कितनी आपने पेमेंट करी है, कब वो आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट हुआ था, कब तक वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। से किस तरह से आप चेक करोगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। HDFC बैंक में किसी भी तरह के लोन हिस्ट्री और EMI हिस्ट्री को चेक करने के लिए जस्ट आपने एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ पर सर्च बार में आपने टाइप कर देना है HDFC नेट बैंकिंग। इतना टाइप करते ही आपने इसको सर्च कर देना है और आपके सामने जो फर्स्ट वाला जो लिंक आ जाएगा, जस्ट उस पर आपने टैप कर देना है और उसके बाद में आपने कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी और नेट बैंकिंग का पासवर्ड जो है डाल दिया है और उसके बाद मैं लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में जो लॉगिन होने के बाद में जो इसका इंटरफेस है, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और उस पर आपने जितना भी खर्च किया होगा उस पर अगर आपने EMI बनवाई होगी तो उसकी हिस्ट्री आप किस तरह से चेक कर सकते हो। तो उसके लिए जस्ट आपने कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में देखिए, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अकाउंट समरी, ट्रांजैक्शन, इंक्वायर, रिक्वेस्ट, इस तरह के कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपने इंक्वायर वाला जो ऑप्शन है, इंक्वायरी वाला, इसमें आपने क्लिक कर देना है और इसको जब नीचे को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लोन डिटेल्स का, तो जस्ट इस पर आपने टैप कर देना है और उसके बाद में आपने अपना कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और जो भी कार्ड आप यहाँ पर अभी यूज़ कर रहे हैं करंट में उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में वीक वाले ऑप्शन पे आपने टैप कर देना है। तो जितनी भी हिस्ट्री होगी आपके कार्ड की वो सारी आपके यहाँ के सामने शो करने लग जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो दो लोन अमाउंट है वो एक्टिव है, एक तो 36,000 का है और दूसरा जो है 18,990 रुपीज़ का। दोनों का स्टेटस अभी जो है एक्टिव है। इन दोनों के स्टेटस अगर आप कंप्लीटली देखना चाहते हो तो जस्ट इस पर जो यहाँ पर लोन नंबर लिखा हुआ है उस पर आपने टैप कर देना है। उसके बाद में इसका जो कंप्लीट समरी है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि ये वाला जो लोन है मैंने 3 जुलाई 2020 को एक्टिव करवाया था, जिसके ऊपर मुझे 36,000 रुपये लोन मिला था। इंटरेस्ट रेट 24% का है, टर्नओवर जो है 12 महीने का है। और इसके बाद में EMI टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में इसकी कंप्लीट समरी आपको देखने को मिल जाएगी, कितना आपको इंटरेस्ट अमाउंट लग रहा है, कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, EMI की डेट कौन कौन सी है। इसको आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हो, कितनी कितनी अमाउंट किस किस डेट को चली गई है और कौन कौन सी अमाउंट किस किस डेट को जानी बाकी है, यहाँ पर आपको कंप्लीट समरी देखने को मिल जाएगी। सेम प्रोसेस आप दूसरे लोन को भी टैप करने के बाद में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि आपने किसी तरह का पर्सनल लोन या होम लोन ले रखा है उसकी डिटेल्स आप किस तरह से चेक कर सकते हो। तो उसके लिए भी जस्ट यहाँ पर देखिए, ऊपर में कुछ ऑप्शन जो बने हुए हैं, जैसे कि जहाँ पर आप कार्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किए थे वहीं पर लोन्स वाला ऑप्शन है, उस पर जस्ट आपने टैप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर भी सिंपली आपने इंक्वायर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोन अकाउंट डिटेल्स, और लोन अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद में आपने अपना लोन अकाउंट नंबर जो है सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है चेक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे नीचे में, ट्रांजैक्शन टिल डेट, फ्यूचर ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर आप जस्ट सिंपली टैप कर दीजिए। उसके बाद में इसका जो EMI डेट है नेक्स्ट वाला वो आपके सामने आ जाएगा, फ्यूचर प्रिंसिपल कितना रह गया है, रिमेन टर्नओवर जो है कितना रह गया है, लोन मैच्योरिटी डेट कौन सी है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जिसको आप यहां से चेक कर सकते हो। उसके बाद में ट्रांजैक्शन टिल डेट जो आप इस पर टैप करते हो तो एग्रीमेंट नंबर जो है, लोन अमाउंट आपका टोटल कितना लिया था आपने, लोन स्टेटस अभी क्या है, एक्टिव है या क्लोज हो चुका है, या फिर लोन स्टार्ट कब हुआ था, कितने महीनों के लिए आपने इस लोन को लिया था, कितनी आपकी EMI जाती है, कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो।
तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अपनी कंप्लीट हिस्ट्री पता लग जाती है, से आपने कितना का लोन लिया था, कब लिया था, कितनी ईएमआई जाती है, कब कब चली गई है और कब कब जाना है, कंप्लीट हिस्ट्री आप यहां से चेक कर सकते हो। आई होप आप पूरे प्रोसेस को समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा।